नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, और पेपर लीक को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारी की गई है इसके बारे में भी एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए। बता दें आपको कि सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान किया गया है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होगी। परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा को लेकर के आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने यह दावा किया है और कहा कि ये मेरी गारंटी है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। इस परीक्षा के लिए 17,81,720 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है और राज्य के सभी 38 जिलों में 545 सेंटर पर इसका आयोजन होगा, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की ओर से परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की ओर से परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर से सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें कड़ाई से स्वच्छ परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इस बार पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तमाम जो रूल्स हैं वो बना लिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू और कदाचार मुक्त संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला पदाधिकारी को एग्जाम कोऑर्डिनेटर और पुलिस अधीक्षकों को एग्जाम कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर परीक्षा से संबंधित निगरानी भी शुरू की जा चुकी है। यानी कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही निगरानी की जाएगी कि पेपर लीक ना हो और सारे ही सेंटर पर कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाए। अध्यक्ष ने ये बताया कि परीक्षा केंद्रों पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षा और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसका लाइव फीड पार्षद मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होगा और प्रत्येक कक्ष में जैमर लगाए गए हैं। 5G और वाईफाई के सिग्नल को भी जाम करने की ये क्षमता रखती है। साथ ही जो भी केंद्राधीक्षकों से सीधा संवाद हॉटलाइन के रूप में विशेष फोन लगाए गए हैं। तो पूरे पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से इस बार एग्जाम को लेकर के कर लिए गए हैं ताकि कोई कमी ना रह सके और इस बार पेपर लीक ना हो। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को किया जाएगा। वहीं जिस दिन परीक्षा होनी है उसके एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 7 अगस्त को जो एग्जाम होनी है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं जिनका 7 अगस्त को एग्जाम होना है वो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे आप लेंगे वो भी बता देते हैं। एडमिट कार्ड के लिए सीएसबीसी की वेबसाइट https://www.csbc.bih.nic.in पर आपको जाना होगा और वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 21,391 खाली पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए 18,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के दौरान भीड़भाड़ जैसी समस्या को दूर रखने के लिए एग्जाम का आयोजन सिर्फ एक ही पाली में किया गया है, यानी एक ही पाली में ये एग्जाम लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में आर्थिक अपराध में खुलासा करते हुए जो 1 अक्टूबर 2023 को पेपर लीक हुआ था उसका खुलासा करते हुए बताया गया है कि पेपर लीक कांड का सरगना भी नालंदा के नगर नौसा का संजीव मुखिया और लूटन ही है। पेपर एग्जाम के 4 दिन पहले ही ये लीक हो गया था। बताया ये गया है कि ईओयू की जाँच में ये बातें निकल कर सामने आई है। जो परीक्षा पत्र मोतिहारी जाने वाले था वो पटना में गाड़ी में लोड होकर 6 घंटे तक खड़ी थी। इस दौरान संजीव मुखिया और उसके जो भी गैंग है वो क्वेश्चन पेपर गायब किए, वहाँ पर उसका पहले फ़ोटो खींचा, उस फोटो खींचने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया और फिर जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया था उन सभी को उसका आंसर दिया और इस तरीके से पेपर लीक हुआ था। इस पर कार्रवाई भी हुई है और इसका खुलासा भी अब कर दिया गया है। लेकिन ये जो एग्जाम होने वाली है इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी कि इस बार पेपर लीक की कोई संभावना नहीं है
हर एक एक पहलू पर इस बार नजर रखी जाएगी। अब देखना होगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से ये एग्जाम होता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तैयारी जरूर कर ली जाती है, एग्जाम हॉल में पूरी पुख्ते इंतजाम होते हैं, आयोग की तरफ से तैयारी कर ली जाती है, लेकिन इसके बाद भी जो गिरोह है वो अपने जो मंसूबे उसमें कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बार किस शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हो, यही उम्मीद है हमें। इसके साथ ही जो भी उम्मीदवार इसके लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, उन सबका एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और वैसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।